ये बहुत ये पिक्चर पारिवारिक फिल्म है, स्त्रियों के शोषण के ऊपर है, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। सर मूवी ऐसी थी जैसी उम्मीद से कई ज़्यादा होती है, वैसी मूवी थी। इसने लास्ट तक भी मुझे कुर्सी से उठने नहीं दिया। सब लोग हालांकि चलने लगे थे लेकिन मैं कुर्सी से नहीं उठ पा रहा था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और एक्चुअल में ही ऐसी मूवी बननी चाहिए क्योंकि इसमें मैसेज के साथ साथ इमोशंस भी दिखाए गए हैं और सोशल सामाजिक मुद्दों के साथ साथ एक पारिवारिक मुद्दे को भी बहुत ही खूबसूरती तरीके से दिखाया गया है। मुझे मूवी सच में बहुत पसंद आई। इनफैक्ट जो एक्टिंग थी वो सच में रियल एक्टिंग थी, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग थी। ऐसा लग रहा था फ्रेशर्स पहली बार तो काम कर ही नहीं रहे, उन्होंने बहुत पहले बहुत सारा काम कर रखा है। एंड जो लीड्स थे उनका तो मतलब बहुत ही अच्छे, उन्होंने बेंचमार्क सेट कर रखे, उनके साथ काम करना। एंड मैं भी आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि कितना कितना तकलीफ लगती है एक डायलॉग को रीड करने में और उसके तलफ़ुज़ को समझने में। तो बहुत अच्छी मूवी थी एंड सबको ये मूवी 100% देखनी चाहिए। मूवी बहुत अच्छी है, वो अपने संस्कृति पे है और उसको देखना है कि मैं अपने घर परिवार को किसी भी कैसे चलाते हैं, उसको अपने जीवन के बारे में उसमें बताया गया है। मूवी मतलब अपने परिवार के कैसे किस सदस्य को, किस बच्चे को कितना मेरे को जन्म देना है, उसको किस मुकाम तक मेरे को लेकर जाना है, अपने बच्चे को वो चीज़ दिखाना है, दिखाया गया है उस मूवी में। और उसके बाद मतलब मूवी जो है ना अपना, वो सभी को मतलब दर्शाता है कि तुम अच्छे लेवल पे अच्छे एजुकेशन अपने बच्चे को दो। ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे तो पैदा कर दिए, उसका परवरिश अच्छे से नहीं करेंगे, कोई मतलब इधर रहेगा कोई उधर रहेगा, बच्चे को देखभाल नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब बच्चा कहीं और, माता पिता कहीं और, पता चला कि किसी से मतलब कोई गाड़ी वगैरह से एक्सीडेंट हो गया, इसके वजह से मतलब उतना ही करो जितना मतलब कि हम उसको संभाल सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार ही उसको काम करना है। Outstanding, simply outstanding, simply superb. It's a message, it's a great message, it's a very strong message for the Indian audience. जो भी लोग religion की बात करते हैं, religion की बात नहीं करके सबसे बड़ी बात जो है ना humanity की होनी चाहिए। So हमारे बारा is a outstanding film and this director has done a mind-blowing job, Mr. Chandra, and the producer, Mr. Ravi Gupta, Mr. Virendra Bhagat, Mr. Shiv Balak Singh, and Mr. Sanjay Nagpal, Mr. Tiloki, Mr. Satyadev Kumar, all have done mind-blowing job and I'm very happy to see this film and you must watch. बहुत अच्छी थी, सेकेंड हाफ स्पेशली बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब बहुत अच्छा मैसेज था। मैं चाहती हूँ कि सब इसी चीज़ को फॉलो करें और इस मूवी को देखने ज़रूर आए। हमने फिल्म देखी, हम दो हमारे बारह बहुत मेहनत ली है सब टीम ने और इसकी वजह से जितनी जानकारी फैलेगी लोगों में, सामान्य लोगों में, उसका ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन किस मजहब के लिए नहीं है, ये जो है सब इंसानियत के लिए है, इंसान के लिए है, ये संदेश दिया है इसमें। मूवी बहुत अच्छी लगी, सब स्टार कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्शन भी सुपर्ब है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मेन जो इससे सीखने मिलता है वो बहुत ज़रूरी है कि लाइफ सबसे ज़रूरी है, इंसानियत जरूरी है, बाकी सब बाद में आता है। एकदम जबरदस्त मूवी है और एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। मतलब पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने जो मेहनत की है, जो काम किया है, वो काबिल तारीफ है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेट, और बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छा स्टोरी था। मुझे बहुत रुलाया, बहुत कुछ सिखाया, लास्ट में बहुत इमोशनल थी, बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया सच में। ऑडियंस को इसलिए आना चाहिए देखने के लिए कि सबको हक है जीने का, सबको हक है अपनी चॉइस रखने का, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेट, और हमारे दो और बारह का था तो हम दो, हमारे दो होना चाहिए।